हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीत श्रीवास्तव माय डिजिटल गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग गूगल के एक एडवांस सर्च टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे जिसे हम गूगल डॉट के नाम से जानते हैं। ये गूगल डॉट क्या है, कैसे इसको यूज करते हैं, इसको कहां यूज करते हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो के अंत में आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। तो आइए अब हम जानते हैं कि गूगल डॉट टेक्नोलॉजी है क्या। बेसिकली गूगल डॉट टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जहां पे गूगल डॉट ऑपरेटर की मदद से आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, और जो वो सर्च रिजल्ट होता है वो आपके उस ऑपरेटर प्लस आपके कीवर्ड को कंबाइंड करके एक रिजल्ट मिलता है जो कि काफी क्लोज होता है आपके सर्च से। आपने देखा होगा जब आप नॉर्मल गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो वहां पे कुछ ऐसी भी साइट्स आती हैं जिन साइट्स का आपके सर्च रिजल्ट से कोई वास्ता नहीं होता, बट वो आपके कीवर्ड के काफी क्लोज होती हैं। लाइक अगर मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपर डाला है तो हो सकता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डिजाइनर, इस तरह की कीवर्ड्स के भी रिजल्ट गूगल शो करता है क्योंकि वो क्लोज टू आपके कीवर्ड्स हैं। लेकिन जब हम ऑपरेटर्स की हेल्प लेते हैं, ऑपरेटर्स यूज करते हैं, डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, तो गूगल सिर्फ उन ऑपरेटर की जो बिहेवियर है, उन ऑपरेटर की जो प्रॉपर्टी है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट डिस्प्ले कराता है। यहाँ पे कई ऐसे डॉट ऑपरेटर हैं जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट का या किसी वेबसाइट का काफी सिक्योर डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं। काफी एडवांस डॉट ऑपरेटर्स हैं जिनके थ्रू आप वेबसाइट के किसी भी पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इस डॉट ऑपरेटर का यूज नॉर्मली हैकर्स भी करते हैं आपके किसी भी साइट के डेटा को रिट्रीव करने के लिए, किसी भी साइट के कॉन्फिडेंशियल डेटा को रिट्रीव करने के लिए। और कुछ आईटी प्रोफेशनल्स या कंपनियां भी डॉट ऑपरेटर पे वर्क करती हैं ताकि उन ऑपरेटर्स की मदद से वो अपने साइट्स के उस लूप होल्स को क्लोज कर सके ताकि कोई अनऑथराइज एक्सेस ना हो पाए। इन ऑपरेटर को यूज करने के लिए मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप इस ऑपरेटर को यूज करते हैं, कैसे आप कीवर्ड यूज करते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या डिफरेंस है दोनों के सर्च रिजल्ट में, एक नॉर्मल सर्च और एक डॉट ऑपरेटर सर्च। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग google.com ओपन कर लेते हैं। यहां पे हम एक कीवर्ड सर्च करते हैं विदाउट डॉट ऑपरेटर। तो मैं एक कीवर्ड यहां डाल रहा हूं, वेब डेवलपमेंट। अब आप देखेंगे जो सर्च रिजल्ट आया है यहाँ पे वो भी कंपनियां हैं जो वेब डेवलपमेंट में डील करती हैं, जो वेब डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइड करती हैं। वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल भी है, एक्सप्लेन भी किया गया है विकिपीडिया के थ्रू। मीन्स यहाँ पे तमाम वो रिजल्ट्स हैं जो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे आपके कीवर्ड को एक एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिल पाया, लेकिन जब हम यहाँ पे एक ऑपरेटर डिफाइन कर देते हैं, एक डॉट ऑपरेटर डिफाइन कर देते हैं, जैसे एक नॉर्मल डॉट ऑपरेटर है डिफाइन, इस ऑपरेटर को जब हम डिफाइन कर देते हैं तब जो रिजल्ट आता है वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव रिजल्ट हुआ। यहां पे आपको कोई भी कंपनी दिखाई नहीं देगी जो वेब डेवलपमेंट में डील कर रही हो। आपको जितने भी लिंक्स दिखेंगे वहां पे आपको वेब डेवलपमेंट की डिस्क्रिप्शन बताई जाएगी, वेब डेवलपमेंट को डिफाइन किया जाएगा। मीन्स सारे लिंक्स इंफॉर्मेटिव हैं। आपने एक सिंगल ऑपरेटर की मदद से अपने सर्च रिजल्ट को बिल्कुल एडवांस कर लिया, मीन्स एग्जैक्ट अपने रिजल्ट तक पहुंच गए। इस तरह के कई ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो आपको गूगल पे मिल जाएंगे। डॉट ऑपरेटर अगर आप टाइप करते हैं, जैसे फाइल टाइप, जहां पे वो आप डिफाइन करते हैं कि आपको क्या फाइल टाइप चाहिए तो एग्जैक्ट उसी फाइल टाइप को वो शो करता है। उसी तरह रिलेटेड, इन टाइटल, ऑल इन टाइटल, इन यूआरएल, ऑल इन यूआरएल, इस तरह के तमाम ऐसे ऑपरेटर हैं
जिनका यूज करके आप एग्जैक्ट रिजल्ट ले सकते हैं। कुछ एडवांस यूआर ऑपरेटर हैं जिनकी मदद से हैकर्स आपके कॉन्फिडेंशियल डेटा को एक्सेस कर पाते हैं, साइट के कॉन्फिडेंशियल डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। तो उन ऑपरेटर्स की मदद से आप अपने साइट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि गूगल सर्च रिजल्ट में उस ऑपरेटर पे जो पेज डिस्प्ले हो रहा है उसको आपको कैसे ब्लॉक करना है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमें कमेंट सेक्शन पे अपने सुझाव जरूर बताएं और इसी तरह नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड बाय।